नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी के इस फैसले का छात्र कर रहे हैं विरोध। प्लस टू अतिथि शिक्षकों की सेवा नियमित करने की उठी मांग। औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने को स्थानीय उत्पादों की बिक्री पर दिया जाएगा जोर। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार को तेजस्वी का समर्थन। शाहीन के बाहर होने पर बोले अफरीदी। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी के इस फैसले का छात्र कर रहे हैं विरोध। बीपीएससी 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जारी किए गए तिथि से अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल हाल ही में बीपीएससी ने सभी लंबित परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया, जहां बीपीएससी के 67वीं पीटी परीक्षा का आयोजन अगले महीने 20 व 22 तारीख को आयोजित करने की बात कही गई है। तारीखों की घोषणा के बाद विरोध शुरू हो गया है। बीपीएससी ने एक दिन की जगह 2 दिन तक परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। इसके अलावा पहली बार रिजल्ट परसेंटाइल सिस्टम से जारी किया जाने की घोषणा की गई है। अभ्यर्थियों को इस बात से नाराजगी है। उनका कहना है कि इससे कम नंबर वाले आगे निकल जाएंगे और ज्यादा नंबर वाले पीछे छूट जाएंगे। इसके लिए आज अभ्यर्थियों ने इस फैसले के विरोध में ट्विटर पर ट्रेंड कराकर विरोध जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर हुआ पथराव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर बीते दिन पथराव किया गया था। इस मामले में कुल 13 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना से गया के लिए रवाना हुए। सीएम तो हेलीकॉप्टर से गए, लेकिन उनके हेलीपैड से दूसरे स्थानों पर जाने के लिए कारकेड को बीते दिन पटना से गया भेजा जा रहा था। इधर 8 अगस्त से लापता एक युवक की हत्या के बाद नाराज लोग पटना गया मेन रोड पर सोहगी मोड़ के पास शव रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच से निकली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफिले पर गुस्साए लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद उन सभी की सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है। प्लस टू अतिथि शिक्षकों की सेवा नियमित करने की उठी मांग। बिहार के नए सरकार के मंत्री खुद को एक्टिव दिखाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। हर विभाग से जुड़े मसले सुलझाने की कोशिश की जा रही। भूमि से जुड़े मामले हो या शिक्षा और स्वास्थ्य, इस कड़ी में बिहार उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में संगठन का प्रतिनिधिमंडल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव व शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 4 वर्षों से कार्यरत प्लस टू अतिथि शिक्षकों की सेवा 7वें चरण के नियोजन के पहले 60 वर्ष तक नियमित करने की मांग की है। दोनों ही मंत्री ने कहा कि जल्द ही सकारात्मक घोषणा की जाएगी। इस साल बनकर तैयार हो जाएगा कच्ची दरगाह बिदुपुर छहलेन पुल। बिहार सरकार लोगों को एक अच्छी और सुगम सड़क देने की कोशिश में लगातार काम कर रही है। साथ ही साथ सरकार की यह भी कोशिश है कि किसी भी जिले से राजधानी पटना का सफर महज 4 से 5 घंटे की ही रह जाए। इसी प्रयास में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा हाईवे 4 लेन पर लगातार काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में पटना के गंगा नदी कच्ची दरगाह से बेदुपुर 6 लेन पुल का निर्माण 2024 में पूरा हो जाएगा। एक बार फिर से काम में तेजी आई है, इसके सभी पाए बन चुके हैं। साथ ही राघोपुर दियारा की तरफ अप्रोच का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। अब बख्तियारपुर की तरफ फ्लाईओवर और अप्रोच रोड बनाया जाएगा। इस रास्ते झारखंड के इलाके से उत्तर बिहार होते हुए नेपाल सीमा तक पहुंचना आसान होगा। औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने को स्थानीय उत्पादों की बिक्री पर दिया जाएगा जोर। महागठबंधन की सरकार भी उद्योग को बढ़ावा देने में जोर शोर से लग गई है। इस बीच राज्य में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग विभाग ने बिहार में बने उत्पादों की बिक्री पर जोर देने वाली है। इसके लिए राज्य के लोगों से बिहार में बने उत्पाद खरीदने की अपील की जाएगी। दरअसल उद्योग मंत्री समीर महासेठ स्थानीय राजद कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए देश विदेश की कंपनियों को फैक्ट्री लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही बिहार में बने उत्पादों की बिक्री पर जोर दिया जाएगा। उमस भरी गर्मी से इन दिनों बिहारवासी हो सकते हैं परेशान। बिहार में फिलहाल मौसम का मिजाज हर घंटे बदल रहा है। इस दौरान किसी पल बारिश तो पल भर में सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। बीते 3 दिनों से बिहार के मौसम में तेजी से बदलाव देखा गया है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि इस सप्ताह बारिश होने की संभावना नहीं है। इस बीच तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी भाग के जिलों का तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान है। वहीं उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहेंगे। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर्स डॉक्टरों का हड़ताल। बिहार के जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से आज हड़ताल पर चले गए हैं। यह हड़ताल स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग के लिए
है। दरअसल यह सिर्फ आज की बात नहीं है बल्कि बहुत पहले से ही इंटर्न डॉक्टरों की मांग है कि उनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। इससे पहले भी पीएमसीएच समेत ऐसे कई अस्पतालों के इंटर्न डॉक्टरों ने इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई। वहीं अब बिहार में नई सरकार बनने के बाद, और खास बात यह है कि हमेशा विकास की बात करने वाले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने पास ही स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी रखी है। ऐसे में तेजस्वी यादव के पास यह पहली चुनौती होगी, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान तेजस्वी यादव के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। वहीं इधर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से पीएमसीएच सहित ऐसे 9 अस्पतालों में मरीजों की परेशानियां बढ़ी हैं, ओपीडी सुविधा ठप है, हालांकि इमरजेंसी सेवा को इससे दूर रखा गया है। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे सीटेट बीटेट अभ्यर्थी, सप्ताह का पहला दिन प्रदर्शन वाला रहा है। एक और जूनियर डॉक्टर, वहीं दूसरी ओर सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। राजधानी पटना में ये सभी अभ्यर्थी प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर गए हैं। राज्य के अलग अलग जिलों से आए करीब 5,000 अभ्यर्थियों ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं देखने को मिली। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 3 साल से इन्हें बहाली के लिए सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। पिछले 22 दिनों से शिक्षक नियोजन के लिए उनका आंदोलन चल रहा है। वहीं प्रदर्शन के दौरान डाक बंगला चौराहा के पास ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराई हुई दिखी। पटना एम्स में क्यों करनी पड़ रही है लोगों को लंबी प्रतीक्षा? बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी लोगों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए लंबे समय तक का इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पटना एम्स में एक महिला के पेट में गॉल ब्लैडर पाया गया, जिसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन सभी जांच के बावजूद उन्हें ऑपरेशन के लिए 3 माह बाद का समय मिला। वहीं कैंसर और ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित मरीज को भी ऑपरेशन के लिए 1.5 से 2 साल बाद का समय मिल रहा है। दरअसल कहा गया है कि पटना एम्स में कुछ ऐसे उपकरण मौजूद हैं जो देश के गिने चुने संस्थानों में ही हैं। ऐसे में यहां भीड़ बढ़ने से संसाधनों की कमी हो रही है। यही वजह है कि गंभीर बीमारी वाले लोगों को लंबी प्रतीक्षाएं करनी पड़ रही है। भाजपा ने राजद को दी विधानसभा नियमावली अध्ययन करने की सलाह। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही भाजपा के सभी मंत्रियों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सह भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में सत्ता पक्ष लगातार उन पर हमलावर है। इस बीच राजद ने विजय कुमार सिन्हा पर हमला बोलते हुए भाजपा को थेट्रोलॉजी से पीएचडी करने वाला बता दिया है, जिसका अब भाजपा की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। भाजपा के पूर्व मंत्री जुवेश मिश्रा ने कहा कि राजद के लोगों को विधानसभा के नियमावली का अध्ययन करने की जरूरत है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो जब तक उस पर चर्चा नहीं होती है तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। क्या संजय जायसवाल होंगे बिहार में नेता प्रतिपक्ष का चेहरा? बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा को एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष के चेहरे की तलाश है। भाजपा को ऐसे नेता की तलाश है जो सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेर सके और सरकार को कड़ी चुनौती दे सके। हालांकि अब भाजपा की यह तलाश लगभग पूरी हो गई है। मीडिया में जो खबर चल रही है उसके अनुसार बिहार विधानसभा के वर्तमान स्पीकर सह भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी, राज्यसभा सदस्य विवेक कुमार ठाकुर और विधायक संजीव चौरासिया का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में प्रोफेसर नवल किशोर यादव विधान परिषद में 5 बार से सदस्य हैं और हर मुद्दे पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार को तेजस्वी का समर्थन। जदयू के बाद अब राजद ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री में चरित्र बताया है। उसमें भी उप मुख्यमंत्री सह राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बताया है, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए राजद का भरपूर समर्थन है। इससे पहले जदयू से उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह ने कई मौकों पर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताया है। वहीं अब तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि विपक्ष उनके नाम पर विचार करता है तो निश्चित रूप से वह इसके लिए मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। पिछले 50 वर्ष से वह सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने जेपी व आरक्षण आंदोलन में भाग लिया। उनके पास 37 से अधिक वर्ष का संसदीय और प्रशासनिक अनुभव है। उन्हें जमीनी स्तर पर व अपने साथियों के बीच अपार समर्थन है। शाहीन के बाहर होने पर बोले अफरीदी, 27 अगस्त से UAE में शुरू होने जा रहे एशिया कप में जाने से पहले पाकिस्तान की टीम को बड़ा झटका लगा है। उनके मुख्य तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी घुटने की इंजरी की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने
स्टार तेज गेंदबाज के बाहर होने पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर ने कहा कि मैंने उसको पहले भी मना किया था कि डाइव मत मारिए, इंजरी हो सकती है, आप फास्ट बॉलर हो, लेकिन बाद में मैंने भी रियलाइज किया कि वो भी अफरीदी ही है। देशभर में आए 10,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी कि रविवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के कुल 9,531 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़े के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 176 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 72 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,07,505 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 169 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, शंकर मुखिया, रामोदित नारायण, मोनिका यादव, भान प्रकाश मौर्य, सबाहत निशा, सुजय कुमार, बजरंगी कुमार शाहू, कुमार कौशल सिंह और लवकुश कुशवाहा। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में समुचित स्वास्थ्य सुविधा मिलती है या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर Facebook से देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।